I haven't broken any rule of law. So this is my time. I'm a citizen of this country. उन्होंने हम सबको देश प्रेम सिखाए और अब उसी इंसान को ब्लेम कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के नेताओं की उस वक्त बड़ी फजीहत हो गई जब एक लड़की ने मंच पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा इसीलिए क्योंकि मंच से पीएम मोदी की बुराई की जा रही थी। बस इस लड़की से पीएम मोदी की बुराई सहन नहीं हुई, वो पहुंच गई उसका विरोध करने। दरअसल नैनीताल में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उनका संबोधन खत्म होने के बाद उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवती मंच पर चढ़कर मोदी की बुराई का विरोध करने लगी। आपकी जनसभा में कर्नल कोठियाल अपनी बात पूरी कर नीचे उतर ही थे कि एक लड़की तुरंत मंच पर पहुंच गई और कार्यकर्ताओं से माइक छीनकर मोदी की बुराई का विरोध करते हुए रोने लगी। और ये सब देखते ही आप वर्कर्स के तो हाथ पैर फूल गए। हंगामा शुरू हो गया जिसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत मंच पर पहुंचे और काफी कोशिशों के बाद लड़की को मंच से नीचे उतारा गया। आपने मुझे मौका दिया, बोलने का मौका दिया, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आगे से सब लोग खड़े हो गए कि वो पता नहीं क्या बोलेगी। I haven't broken any rule of law. So, this is my time. I'm a citizen of this country. हमारे हाईकोर्ट बार क्लर्क बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बालन सिंह अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि बंद चपान और पार्टी को आज ज्वाइन करना है। प्लीज बालन सिंह अधिकारी जी, बालन सिंह अधिकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये आज इनके द्वारा अरुण कुमार जी जब इस युवती से बात की गई तो उसने बताया कि पीएम मोदी तो देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पे 2 घंटे से रुकी, उन्होंने बोला अभी रैली आएगी फिर तुम बोल लेना। उसका सीधा साधा मतलब ये था कि बेटा अभी हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा कर रहे, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे वो करेंगे। तो एक देश के से मैनिपुलेट तो कर ही रहे थे ना वो। और उन्होंने एक जो सर था उन्होंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे 10 अक्टूबर के टाइम पे आएंगे क्योंकि अगले साल हमारे राज्य में इलेक्शन है। तो भाई तुम भी तो उसी टाइम में आयो, वो प्रधानमंत्री है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, और मैं ठोक के ये बात बोलती हूँ कि मेरा वोट हमेशा नरेंद्र मोदी जी को जाए। उन्होंने हम सबको देश प्रेम सिखाए और अब उसी इंसान को ब्लेम कर रहे हो। हमारी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं वो, अभी वहाँ गए US गए, इसलिए नहीं गए, घूमने फिरने नहीं गए, वो काम करने के लिए गए, और तुम उसी को गलत बोल रहे हो। तुम उनका काम इंडिया को संभालना है, तुम लोगों का काम है स्टेट को संभालना। पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, अब आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड का तो डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टियों के नेताओं की फजीहत हुई, वो भी सरेआम। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।